नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। अरवल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय डकैती करने वाले दो अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बता दें कि अरवल एसपी मोहम्मद कासिम के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन के साथ टीम गठित कर एक कांड जो 2021 में दर्ज कराए गए थे 87/21 जिसके अनुसंधान की जा रही थी और लगातार पुलिस के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह पर छापेमारी अभियान चलाई जा रही थी। उसी दरमियान मेहंदिया थाना अध्यक्ष राहुल अभिषेक धीरज कुमार के अलावे सशस्त्र बलों के साथ मिलकर एक टीम गठित की गई और तो अभियुक्त सकलदेव राजवंशी और मधेसी राजवंशी को गुप्त सूचना के आधार पर दाऊदनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अरई गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले को लेकर एसपी मोहम्मद कासिम के द्वारा बताया गया कि दो मुर्गी लेकर जा रहे पिकअप वैन से NH-139 पालेजा नहर लाख के समीप 6 अज्ञात अपराधियों के द्वारा लूटपाट की घटना का अंजाम दिया गया था, जिसमें 60,000 रुपये और हजारों रुपए का जेवरात छीनने का काम किया गया था। जिसके उपरांत मेहंदिया थाने में गौतम कुमार जो किचन बिघा गांव के रहने वाले हैं उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तब से लेकर लगातार पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहे थे, जिसमें पहले भी दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सालों से फरार चार अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चलाई जा रही थी, जिसमें दो अभियुक्त जो टॉप 10 में शामिल किए गए थे सकलदेव राजवंशी और मधेसी राजवंशी, जिसे मेहंदिया थाने की पुलिस ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन के नेतृत्व में टीम गठित कर गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। वहीं बताया जाता है कि दोनों गिरफ्तार अभियुक्त बिहार के अलग अलग थाने में डकैती के मामले में नामजद आरोपी हैं और कई थाने की पुलिस इन्हें तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ ये लगी कि पुलिस ने एक वैसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो अंतर्राज्यीय डकैती की घटना का अंजाम देता है। मधेसी राजवंशी जो धनबाद जेल में 13 साल बंद रहने के बाद छूट कर आया था, जिसे अरवल पुलिस फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और लगातार इनके विरुद्ध बिहार के अलग अलग थाने के अलावे झारखंड, यूपी और बंगाल में भी कई प्रकार के डकैती के मामले दर्ज कराए गए थे, जिसे अरवल पुलिस ने गिरफ्तार कर पुनः जेल भेज दिया। सुनिए इस मामले को लेकर एसपी मोहम्मद कासिम के द्वारा क्या कुछ बताया गया। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए हम लोग जब से इस जिला में अनुमंडल पुलिस राजीव रंजन और मैं जनवरी में आया, तब से क्राइम बढ़ा हुआ था और लगातार हम लोग मेहनत किए और हमारी जो यहाँ की टीम थी नए लड़के 18 बैच के राहुल अभिषेक ये सब मिल गए और लगातार हम लोग प्रयासरत रहे, जिसके कारण अपराध में लगाम लग गया। एक तो हम लोग 23 के सारे केस डिटेक्ट कर लिए, 22 के केस लूट डकैती के डिटेक्ट कर लिए, अब 21 में लगे हमारे। इसी करीब में 87/21 जो मेहदिया थाना में 12/21 को एक डकैती की घटना घटी थी। घटना ये थी कि दो गाड़ी देवकुंड से दो गाड़ी चली थी और वो मुर्गी लेने के लिए आए थे, दो गाड़ी मुर्गी ले जाते। ये घटना स्थल है पहलेजा सिवाना सोनपुर कैनाल रोड मेहदिया में, जहाँ दो गाड़ी रुकी, रुकने के बाद दो गाड़ी आ ही रही थी कि नहर के पास एक शीशम का पेड़ काट के गिरा दिया गया था और उसके बाद रुक गया तो आगे जो वादी थे गौतम, उनसे 30,000 रुपया ले लिया, पिस्टल के बट से मेरा चेहरा मारा और इस तरह से मोबाइल वगैरह लूट लिया, ड्राइवर से सोना का जेवर ले लिया। फिर दूसरी गाड़ी जो पीछे चार लोग आगे थे घेर लिए थे, दो क्या तो पिस्टल था, कुल्हाड़ी था, आड़ी था और दो अपराधी पीछे की गाड़ी जस्ट सटा है, दोनों गाड़ी दोनों एक ही मालिक की गाड़ी थी गौतम जी की, तो उसमें भी लूट किया 30,000 रुपया, उसके भी मोबाइल लूट लिए, उसके भी ड्राइवर के सोने के सिकड़ी लूट लिए। इस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और मंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व लगातार हम उद्भेदन कराते रहे। नतीजा ये हुआ कि ये कांड उद्भेदित हुआ था, जिसमें दो लोग जेल गए थे, सुरेश राजवंशी और गुड्डू राजवंशी पहले जेल जा चुके हैं और वर्तमान में चार लोग और बचे हुए हैं, जिसमें दो की गिरफ्तारी हो चुकी है आज, सकलदेव राजवंशी और मधेसी राजवंशी दोनों को उस अरई थाना दाऊदनगर उसके घर से दोनों की गिरफ्तारी हुई। टीम बनी रात में बनी थी और जिसमें हमारे PSI मुख्य रूप से धीरज कुमार बहुत अच्छा रोल इनका रहा और ये सारी टीम के साथ हमारे गए थे और दोनों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि लोग ये जो इनके विरुद्ध चार आपराधिक इतिहास है, मेहदिया थाना 87/21 के अलावा कलेर थाना के 2 केसेस 17/4, कलेर थाना 36/4 और दाऊदनगर 34/3, यानी सब लूट डकैती के केस हैं। बरबड्डा या खुद कह रहा है मधेसी कि बरबड्डा में भी डकैती के केस में 13 साल जेल में रहा है। टॉप 10 में पहले भी 10 व्यक्ति को STF में भेजा था, नाम मुख्यालय मांगता है कि 10 लोगों का नाम दीजिए, तो 8 की गिरफ्तारी हो गई थी, 2 उसमें से बचा हुआ है, बिमलेश की गिरफ्तारी बची हुई है
और राजेश पासवान की गिरफ्तारी इसमें से बची हुई, और इधर 10 और नाम भेजे थे, उसी 10 नाम में ये दोनों नाम भी था। टॉप 10 में इसका भी नाम रखा गया था, सकलदेव और मधेसी राजवंशी की। इस तरह से टॉप 10 में 2 की गिरफ्तारी हमारे यहाँ हो गई है। तो इस तरह से यह इनों का मोडस ऑपरेंडि यही था कि पेड़ काट के रात में गिरा देना और लूटपाट करना। उस पर अब स्थिति ये है कि पहले से स्थिति बहुत बेहतर है कि कोई इस तरह की घटना नहीं घट रही है, और लगातार 2 की गिरफ्तारी बाकी है। मंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया लगातार इन दोनों की विरुद्ध छापामारी करके पता करके इनको गिरफ्तार करें।